दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आपने परचेस कर लिया है या करने का सोच रहे हो, दोनों में से कुछ भी करने का सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि अगर गाड़ी में कोई भी इश्यू हुआ तो हम कैसे इसको रेक्टिफिकेशन करें। फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, पहला तो या तो कस्टमर केयर में फोन करके आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, दूसरा है आप ईमेल करके कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है, निवारण है, इसको होने में 3 से 4 दिन लगता है, कहीं कहीं जगह पे 7 से 8 दिन भी लगता है। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी फिजिबिलिटी है और कितना ज्यादा कंप्लेंट रिक्वेस्ट है, उस हिसाब से ही आपकी गाड़ी रिपेयर होती है, तो उसको समय लगता है। और ऐसे में है ना, काफी समय से है ना, जो कंज्यूमर जो बाय कर चुके हैं ओला इलेक्ट्रिक, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक से, भावेश अग्रवाल जी से, कि आप प्लीज सर्विस लोकली आप अरेंज करवा दीजिए, जिससे हम डायरेक्ट वहीं पे जाके ही सर्विस करा सकते हैं, जैसे दूसरी कंपनियों में होता बेसिकली। या कार देख लो या इलेक्ट्रिक में एथर देख लो, उनके इसमें भी ऐसा है कि अगर कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है तो आप उनके सर्विस सेंटर जाके डायरेक्ट उस चीज को रेक्टिफिकेशन करवा के उसी दिन हाथों हाथ गाड़ी लेके आ सकते हो। ओला के केस में क्या है कि उनका जो चैंपियन है वो आपके घर आके उस चीज को रिपेयर करके देन आपको प्रोवाइड करता है। देखो ये फिजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है कि घर पे आके आपको करके दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बंद पड़ गई तो बंद पड़ गई, वो सर्विस सेंटर तक लेके कैसे जाओगे। तो वो भी अच्छी चीज है कि आपके डोर स्टेप पे इश्यूज रिजोल्व हो रहे हैं, बट उसको होने में जितना टाइम लग रहा है ना, उसमें काफी लोग परेशान हो जाते हैं। तो फाइनली कंपनी ने इस चीज के बारे में सुना, इस चीज के बारे में समझा, इन्होंने पहले तो एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर दिया सब जगह, काफी जगह इन्होंने एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया, काफी लोग को पसंद आ रहा है, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस सेंटर भी ओपन हुए जैसे बैंगलोर में, और जो छोटी छोटी सिटीज में वहां पर भी एक एक एक्सपीरियंस सेंटर आराम से इन्होंने ओपन कर दिया। तो अब वो एक्सपीरियंस सेंटर पे कंपनी 30 दिन के अंदर एक सर्विस डेस्क लगाने वाली है और सर्विस का पूरा सिस्टम वहां पे सेटअप करने वाली है। इससे एक बेनिफिट होता है, जिन लोग की गाड़ी में इश्यू है वो वहां पे डायरेक्ट ले जाके विदाउट एनी कंप्लेंट रेस करके अपनी गाड़ी का जो भी इश्यू है उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो सर्विस है ये 30 दिन के अंदर सारे जगह पे स्टार्ट हो जाएगी, जितने भी एक्सपीरियंस सेंटर इन्होंने ओपन किया है। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा, चलो ये तो एक्सपीरियंस सेंटर वाली बात होगी, जिनके यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर नहीं है उसका क्या। तो वहां पे अभी भी ये डोर स्टेप पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बट अगर आपको हाथों हाथ चाहिए तो सर्विस सेंटर जाके आप इस चीज को जल्द से जल्द करवा सकते हैं। और ये फैसिलिटी 30 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी ओला के सर्विस सेंटर पे और उनके जो एक्सपीरियंस सेंटर पे, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। एक्चुअल में अब मेरे को भाई बोलना चाहिए कि यस आपको ओला की गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज अब सही हो चुकी है और एक ग्राउंडेड आ चुकी है। ग्राउंडेड मतलब अब जो चीज हमको चाहिए, फिजिकल सेंटर हो गया, फिजिकल गाड़ी देख सकते हो, फिजिकली अब गाड़ी पे रिपेयर भी करा सकते हो, तो सारी चीजें अब आ चुकी है ओला की। जो हम एथर के केस में बोलते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, अब ओला के केस में भी हमें बोलना चाहिए कि यस ये अच्छा है। सो ये एक अच्छी न्यूज है, आज ही आइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये न्यूज अच्छा लगा, तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी अपडेट ऐसी न्यूज़ आपको पसंद है चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।